गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो आज मैं, आदिल और आदिल का एक और कज़न है नोमीर, हम तीनों जा रहे हैं इस्लामाबाद। कुछ काम है हमें वहाँ पे, एक तो डॉक्टर को मिलना है और साथ अगर टाइम मिल गया तो फिर भी लेंगे, अदरवाइज़ घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है एंड वी आर ऑलरेडी लेट। 6 बजे की अपॉइंटमेंट है और अभी शायद 4:30 जो हैं वो हो चुके हैं। तो अभी तो हम रुके हैं जेहलम में, वॉशरूम वगैरह जाना था, तो अभी हम लोग आए हैं मैकडॉनल्ड्स और यहाँ से भी थोड़ा बहुत खाएंगे, शायद आइसक्रीम खाएं हम, क्योंकि वो तो चीज़ें हमें टाइम लग जाना है, तो टाइम हमारे पास ज़ाया करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी आइसक्रीम लेने जाएंगे और फिर गाड़ी में वापस आएंगे। अभी क्या हुआ है कि मैं अंदर एंटर होने लगा था तो उन्होंने कहा कि जी मास्क के बगैर एंट्री अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा डाइनिंग तो अवेलेबल है ना? कहता हाँ जी वो अवेलेबल है लेकिन मास्क के बगैर एंट्री नहीं है। यार अगर हम डाइनिंग अवेलेबल है और हमने मास्क पहन के तो नहीं खाना, मास्क उतार के ही खाना है, तो ये साइंस मुझे समझ नहीं आई। तो अभी मेरे ख्याल से जो कज़न है ना आदिल का नोमीर, उसके पास मास्क है तो उसको ही भेजते हैं अंदर कि वो जो है ना फिर वहाँ से पिक करके ले आए। जो है वो मुझे मिल गया था बाहर से, लेकिन जो हमारे ये भाई हैं, हेलो कौन नोमीर, इन्होंने कहा है कि ड्राइव थ्रू से मेज़ारी बात है जल्दी चीज़ मिल जाएगी, तो हम जो है वो ड्राइव थ्रू को ही प्रेफर करेंगे। अब वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सीन है। और प्लान जो है हमारा फिर से चेंज हो गया इसकी वजह से। खुद एक तो आपने लेट करवाया और अब आप शोर करें कि जी लेट हो गया तो भी कुछ नहीं खाना, ये तो ज्यादती है हमारे साथ। क्यों नोमीर भाई, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। ठीक कहा कि किसने ठीक कहा है? नहीं लेकिन यह कि आदिल भाई ने सिर्फ इसी काम के लिए टाइम पूरा निकाला था, एक दिन पूरा इन्होंने वेस्ट किया था, इसलिए जाना। देखें आधा दिन तो सो के वेस्ट किया, ठीक है हम 12 बजे से कॉल कर रहे हैं, ये याद करें तो मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा। हाँ ज्यादती करके आपने हमारे साथ ये किया। नो कमेंट्स प्लीज, मेरे नो कमेंट्स ही होते हैं। खैर अभी ये है कि प्लान ये है कि इस्लामाबाद जाके तो हम वहीं पर कुछ खाएंगे, क्योंकि अभी टाइम की शॉर्टेज है हमें। ओ हमारे साथ क्या हुआ, टाइम पहले ही कम। तो क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है और हम थोड़ा सा तेज़ जा रहे हैं, तो हमें ये गिफ्ट मिला है पुलिस की तरफ से, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है और ये गिफ्ट आप संभालें, आपको मिला है। हाँ तो आगे मैं बहुत मिलेंगे। तो अभी बस पहुंच जाए हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद, फिर जो है ना कुछ खाते पीते हैं और मज़ीद आगे काम वगैरह करेंगे। से पहुंच गए थे कोई ऑलमोस्ट, नमीर कब पता पहुंचे थे हम? 6 बजे कि 6:30 बजे? 6:30 तकरीबन हम लोग 6:30 बजे अपनी अपॉइंटमेंट के लिहाज से थोड़ा सा लेट थे, लेकिन ये है कि वहां जाके भी हमने वेट ही किया तो इतनी भाग दौड़ करने का फ़ायदा भी हमें कोई नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वहां पे जाके भी काफ़ी सारा टाइम लग गया हमें। अभी तकरीबन 9:15 हो रहे हैं और अब हम वहां से फ्री हुए हैं और अब हम कुछ खाने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह की भूख बहुत लगी हुई है। और मैंने और नमीर ने बीच में थोड़ा सा खाया था क्योंकि हमारी जान जाने बड़ी निकल रही थी, लेकिन अब हम लोग सही तरह खाएंगे और ज़्यादा खाएंगे। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं खाना खाने? मोनाल रेस्टोरेंट से पूछा इस बंदे से। मैं क्या पूछ रहा है, पूछ आइलैंड्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आगे जो होटल ये सब एरिया क्लोज है, होटल आइलैंड्स भी बंद है, सब सील है। ओह माय गॉड डैम इट। अब कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोग इतनी मुश्किल से ऊपर पहुंचे हैं, हमारी गाड़ी का सांस निकला है बाहर। गाड़ी का सांस निकलना क्या था, बंद ही हो गया। तो पता लगा कि जी जो मोनाल है और उसके आगे जो हाईलैंड रिजॉर्ट है, ये दोनों रेस्टोरेंट्स यहाँ जो भी इस एरिया में रेस्टोरेंट्स हैं वो सब के सब इस वक्त सील हैं, ओपन अभी तक नहीं हुए। तो लिहाजा अब हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मोनाल तो बंद है इस वक्त। तो मौसम जो है वो काफ़ी प्लेजेंट है, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है और इस वक्त हमारे बिल्कुल सामने जो है वो इस्लामाबाद का पूरा व्यू है। इस वक्त
पूरे इस्लामाबाद का व्यू आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, पूरे सिटी की लाइट्स हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे खड़े होकर बस देख रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से कि मियाँ जी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्यों नमीर भाई, क्या कहते हैं नमीर भाई आप? मियाँ जी नहीं, मेरे ख्याल से हम इस्लामाबाद में कहीं चाय खाना या कुछ और जरूर ट्राई करें। जी मियाँ जी खा कर तंग पड़ गए हैं, मियाँ जी का समय वो टेस्ट वो लेवल नहीं रहा जो उसका खाने का वो तो है कि डिफरेंट तो थोड़ा हो चुका, क्योंकि इसकी एक और वजह है कि मियाँ जी सेल हो चुका है, जिसके से जो अगले ओनर जो है ओनर है उनका टेस्ट वो नहीं वो रख पाए कायम। सही होगा, फिर हम अब कहाँ जाएंगे? इस्लामाबाद में काफ़ी जगह है माशाल्लाह, हम वहाँ पर जाके चेक करते हैं, कोई ज़रूर हमें कोई इंटरेस्टिंग जगह जरूर मिले। जगह तो काफ़ी है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन कोई मसला नहीं है। हम कौन सा कोई इधर हम यंगस्टर्स हैं। हाँ नहीं, वो तो है, चलें देखते हैं कि हम अब कहाँ जाते हैं। मुनाल से निकल के हम नीचे उतरे और फिर उसके करीब ही एक रेस्टोरेंट है, द काबुल रेस्टोरेंट, जो कि नमीर भाई के मुताबिक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो आज हम इसको ट्राई करेंगे। तो इस वक्त जो है मैं नज़र नहीं आ रहा, काबुल रेस्टोरेंट में हम आ चुके हैं जी, और जो भी चीज है। तो आदिल भाई को इस वक्त लगी हुई है बहुत ज़ोर की भूख, और ऑर्डर जो है वो हम दे चुके हैं। ऑर्डर हमने क्या दिया वो आपको बताएंगे ये वाले भाई। ऑर्डर हमारा है काबुली पुलाव है, इसके अलावा अफगानी टिक्का है, चिकन टिक्का है, और साथ में हमारा है कोरमा मटन। आगे जो है ना ये बनाएंगे। आगे मुझे याद नहीं, और क्या बस यही है अभी याद नहीं हमने क्या ऑर्डर दिया था, वो तब आएगा दोबारा देखेंगे कि ऑर्डर क्या क्या था तो फिर ही पता लगेगा। तो आजू का इस पर पूछते हैं कि उनकी कंडीशन का इस वक्त क्या हाल है, मतलब कंडीशन कैसी है, आपकी भूख के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, और खासतौर पर मुनाल का सफ़र जरूर बताइएगा। हाँ, जो आप इतनी मेहनत से मुनाल गए और आपने मुझे भूख अभी इस कदर लगी है कि बोलने की हिम्मत नहीं है, कुछ खा लूँ पहले। अच्छा, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर आप बोलेंगे? फिर बोलूँगा। ठीक है, वो तो आपकी शक्ल बता रही है कि आप किस वक्त इंतहा की भूख लगी है और नींद भी आपको आ रही है मेरा ख्याल, और आप सैड बहुत हो गया। सैड होने की क्या वजह है? बस ऐसे कुछ ओपीडी का हादसा हमारे, पता है कि हम ना पार्ट लोग हैं। अच्छा, हमें जब खाना ना मिले हम दुखी हो जाते हैं। अच्छा, खाने से हमारा बड़ा प्यार है। सही, तो आपको ये दुख है कि मैंने और नमीर ने जो ओ पी टी पी का जो बर्गर खाया है वो दुख रहेगा जिंदगी। अच्छा, मुझे दुख रहेगा तुम दोनों ने मेरे बगैर ओ पी टी पी खाया है, बट कोई बात नहीं, वापसी जाना ही है, जाके इंशाल्लाह मैं भी मंगवाऊँगा। मंगवाओगे मतलब अभी खा तो रहे हैं। ये तो भी चार घंटे लगने वापसी जाते, जाके सियालकोट की बात करो, सियालकोट राशन चाय वगैरह भी पियेंगे ना, उसके बाद गुंजाइश होगी आपके अंदर। ऑलरेडी 10:35 तो हो चुके हैं, 10:30 हो चुके हैं, 11:12, 1-2, 3 बजे हमने तकरीबन पहुँच गए। हाँ, तो तब आपको ओ पी टी पी कहाँ से मिलेगा? तो फिर यही रास्ते से लेके गाड़ी में रख लेंगे। हाँ, खाना तो है। आप अपने दुख का जो है ना वो करें, अफसोस करें, और हम तब तक जो है वो खाने का वेट करें। जो है वो हमारा आ चुका है, ये काबुली पुलाव है, ये क्या है, ये कोरमा, कोरमा है, और ये साथ कोई सालन है जो कि चावलों के साथ आया है, कोफ्ता चना, एंड प्लस ये नान है जो कि माशाल्लाह विच आर ह्यूज इन साइज, और ये साथ कोई चटनी है, शायद पुदीने की है मेरा ख्याल। और क्योंकि आदिल भाई से अब सदर नहीं होगा तो हम ज़रा खाना खा लें, ताकि आदिल भाई की जो ज़िंदगी है जो सांस है वो के वापस आ सकें। क्यों ना मीर भाई, बारबेक्यू भी हमारा भी रहता है, बारबेक्यू भी हमारा भी रहता है। और हमारा जो बारबेक्यू है वो भी आ चुका है, जिसमें ये है चिकन टिक्का, और ये है हमारा अफगानी टिक्का जो के बहुत गर्म है ये वाला। तो अब हम खाना खा लें और अपनी जो सांसें हैं उनको बहाल कर लें।
الحمدللہ ہم کھا چکے ہیں اور کھانا جو ہے ماشاء اللہ بہت ٹیسٹی تھا، بلکہ عاطف بھائی کی حالت جو آپ کو بتا سکتی ہے، لیکن ابھی جو ہے ہم نے کاوے آڈر کیے تھے، یہ والے جو کہ پٹھانی کاوے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ گڑ دیا گیا ہے جو کہ بادام کے اوپر جو ہے وہ گڑ لگایا ہوا ہے، لیکن کچھ اور ہی چیز ہے، گڑ ہے، کچھ میٹھا ہے، بس لیمن ہے اور یہ دو کاوے ہیں، اب یہ لوگ پئیں گے اور بتائیں گے ٹیسٹ کیسا ہے، تو پھر اس کے بعد میں کیونکہ عادل بھائی فی الحال بہت مصروف ہے اپنے کعوہ کے اندر، تو ہم نمیر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کعوے کا کیا ٹیسٹ ہے، ان کو کیسا لگا، جو ایک چیز کہتے ہیں پشاوری کعوہ، یہ وہ کعوہ نہیں ہے، کیونکہ پشاوری کعوہ موسٹلی شنواری وغیرہ کے ریسٹورینٹ سے ہمیں ملتا ہے، اس کا ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ بہت ڈفرینٹ ہے، لیکن یہاں پر ایک وہ چیز بھی کبھی دیکھیں گے، ان کی پلیٹ کا بنی جو شکاری ہوتے ہیں وہ یہاں پر جو ہے نا گڑ کے بدلے انہوں نے یہ چیز دی ہے، یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی نہیں ہے گڑ کی نسبت، ٹھیک گڑ کی نسبت ٹیسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کعوہ جو ہے وہ بس ٹھیک ہے ان کا، اوکے ہے، اوکے مطلب آپ کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے، اور ساتھ میں اس کو پینے سے وہ والی ایک فیلنگ نہیں آ رہی، شنواری کے ریسٹورینٹ کے کعوے ٹھیک ہو گئے، کیونکہ ان کی جو پتیاں ہوتی ہیں نا وہ اسپیشلی وہ پشاور سے لے کے آتے ہیں، صحیح ہو، ابھی جو ہے رات کے 2 بج چکے ہیں اور ہم لوگ سیالکوٹ کی طرف جا رہے ہیں، ابھی یہ نہیں پتا کہ کہاں پہنچے ہیں، بس کہیں نہ کہیں پہنچ گئے ہیں، اور عادل بھائی سو چکے ہیں اور نمیر بھائی جو ہیں وہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور میں پیچھے بیٹھ کر ان کو کمپنی دے رہا ہوں، تو ابھی یہ ہے کہ ہم لوگ ایک فیول اسٹیشن پہ رکے ہیں اور یہاں پہ ایک شاپ ہے، تو وہاں پہ اندر گئے ہیں نمیر بھائی کو پانی وغیرہ لینے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنا جو سفر ہے وہ دوبارہ کنٹینیو کریں گے، تو ابھی جو ہے ہم لوگ میاں جی پہ رکے تھے، وہاں پہ ہم نے 2 چائے آڈر کی ہیں جو کہ میری کدھر گئی، یہ میری اور عادل بھائی کی ہے، اور اس کے بعد ہم اب چائے پئیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ جو اپنا سفر ہے وہ کنٹینیو کریں گے، نمیر بھائی ابھی تک شاید گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر تو انہوں نے چائے پینی ہوئی تو وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے، اور اس کے بعد اب جو ہے ہم لوگ دوبارہ سے سفر جو اپنا کنٹینیو کریں گے سیالکوٹ کی طرف، تو ابھی جو ہے رات کے 4 بجنے والے ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں، اور عادل بھائی آپ کی نیند کیسی گزری کیونکہ آپ نے سارا سفر سو کے گزارا، دماغ ٹھیک ہے سو کے گزارا، ہاں میری آنکھوں کی سویلنگ بتا سکتی ہے کہ میں سویا نہیں ہوں، میں مدت سے نہیں سویا، بھائی آپ بتائیں، چھوڑیں آپ بتائیں کہ جاگ رہا تھا کہ سو رہا تھا، یہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی، جو ان کی بات انہوں نے بولی ہے اس سے آپ لوگوں کو پتا چل جانا چاہیے کہ ان کی بات کا کیا مطلب ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے جی، تو اب یہ ہے کہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا اور تھکاوٹ سے تو ہے نا برا حال ہو چکا ہے، تو آج کا جو ہمارا سفر ہے جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہاں تک ہی ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ بلاگ میں، تو ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے اچھے اچھے کامنٹس کریں، ٹل نیکسٹ ویڈیو ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔